यहाँ पे व्हीकल को स्पॉट आउट कर लिया है आयरन साइड पे, पे स्कॉल का स्प्रेस दे रहे लेकिन यहाँ पे शायद एक भी बुलेट का नहीं हो रहा है और ये गाड़ी सीधा को पर आते हुआ यहाँ पे हम सभी को दिख रहा है स्कॉल पर स्प्रे कर रहा है यहाँ पे ठीक व्हाट इज़ अप एंड डाउन एंड वेलकम बैक टू डे सर्वाइवल स्क्वाड गेम प्ले वीडियो सो so गाइज़ आज की वीडियो में कोई भी तरह के हमें चिकन डिनर नहीं मिलेगा पहले गेम प्लेस की तरह आज की इस गेम प्ले में या आज की इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही यूनिक कंटेंट है आज का ठीक है गाइज़ यहाँ पे मैं मैंने दो मैचेस खेले थे दोनों में मैं एक भी चिकन नहीं मिलता मुझे एक भी चिकन नहीं मिलता मुझे दोनों में कहीं ना कहीं तरीके से मुझे फिनिश किया जाता है नीमी की तरफ से तो बहुत ही फ़नी वीडियो है और मैंने बहुत ही स्क्रिप्टेड करके इस वीडियो को बनाया हुआ है I आई मीन mean, बहुत ही ट्रिम आउट करके मैंने इस वीडियो को शॉर्ट तरीके से बनाया तो वीडियो को शुरू करते हैं एंड उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड ऑब्वियसली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आइकन को भी साथ ही साथ साथ में दबा देना यूट्यूब की बहुत बड़ी बक बकचोली वाला बक चल रहा है वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप लोग मेक श्योर करके फिर से एक बार चेक कर ले कि आप लोगों ने बेल आइकन को एनेबल किया है कि नहीं तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे एनिमीज़ लोग लैंड कर चुके हैं यहाँ पे मुझे काउंट करके यहाँ पे चार बंदे यहाँ पे लैंड किए गए जो कि अलग अलग टीम से था अलग अलग स्क्वाड से था हालांकि मैं यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था तो मुझे पता नहीं ये इनमें अपने टीम मेट को ही मार रहा था कि नहीं ये तो शायद एक सोलो बंदा था जो कि उसी का ही टीम मेट यही यही के आसपास पे होगा तो इसको तो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट किल निकाल लिया अपना तो हम लोग फिर से रश करने के लिए चलते हैं ये इस, आ, ये गन गाइस एडवांटेज है कि आप लोग जब वेटिंग लोबी भी हो तो आप लोग ऐड देख सकते हैं तो आप लोग को यहाँ पे गन मिल जाएगा ठीक है लॉबी पे आप लोग अगर ऐड देखेंगे तो तो आप लोगों को गन मिल जाएगा तो मुझे ऑलरेडी लॉबी पे मिल गया था गन वही ले रहा हूँ कोई भी तरह की मैंने यहाँ पे हैक सिस्टम लगा के नहीं खेला है ठीक है तो जैसे कि सा, सामने की तरफ से यहाँ पे मुझे फुट स्टेप्स आ रहा था एनिमी का जि, मैप पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बंदे को तुरंत यहाँ पे नॉकआउट कर चुके हैं यहाँ पे मैं एस के का यहाँ पे टैप टैप पे स्प्रे करता हूँ या कुछ शॉट करने करता हूँ और दोनों ही मैंने यहाँ पे खा दिया ठीक है लास्ट वाला एनिमी को भी मेरा ये एस का हेड लगा फिर यहाँ पे मर गया लास्ट वाला एनिमी और ये फर्स्ट वाला एनिमी को मैंने यहाँ पे नॉकआउट करके इसको फिनिश कर दिया अभी हम लोग डायरेक्ट लूटते हैं यहाँ पे कुछ हम लोग को यू मिलता है जो कि सप्रेसर के साथ में और यहाँ पे गए इस एस का सप्रेसर पबजी मोबाइल ये सब की तरह नहीं है ठीक है बहुत ही अलग सप्रेसर है नाम अलग होते हैं ठीक है मैंने गेम प्ले करते समय इतना नोटिस नहीं किया तो मैंने देख नहीं पाया कि सप्रेसर का क्या नाम है वो मैंने नोटिस नहीं किया तो चलो गाइस हम लोग अभी हॉट ड्रॉप के ऊपर और बढ़ते हैं फिर देख तो अभी ना फिलहाल गाइस मैं इस तरफ आ ही रहा था व्हीकल ढूंढ के तो मेरे आ गे -गे में एक एनिमी ने यहाँ पे व्हीकल को ड्राइव कर लिया फिर मैं एनिमी को स्कारवेल का स्प्रे देता हूँ आयरन साइड पे जो कि जीरो रोकल पे लेकिन एक भी बुलेट एनीमी के ऊपर कनेक्ट नहीं होता एनिमी डायरेक्ट गाड़ी को टर्न ऑन करके मेरे ही ऊपर में यहाँ पे एनिमी चला देते हैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस गाड़ी लगने से ही पहले व्हीकल मुझे मेरे ऊपर आने से ही पहले मैं मर गया तो ये मुझे पता नहीं कि कौन से लेवल का बग है तो चलो गाइस इस ऊपर उपय, तो मर गया और अभी हम लोग दूसरा गेम प्ले स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे कूटेंगे डायरेक्टली मेन ड्रॉप है सेंटर सिटी वाला पे सर्वाइवर स्कोर में गाइस पैराशूटिंग बहुत ही ज़्यादा डिले करता है ठीक है लगभग एक, एक मिनट के आसपास ले लेता है तो इसको तो तो थोड़ा फास्ट वे में अगर डेवलपर्स लोग फिक्स कर फिक्स करता तो अच्छा होना था जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे खासे बंदे यहाँ पे लैंड कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लूटते हैं फिर डायरेक्टली रश करते हैं बंदे को ऊपर में क्योंकि अभी तो हमें चिकन डिनर चाहिए ठीक है हम लोग गन लोटे यहाँ पे डायरेक्टली मिल जा गन यहाँ पे एक शॉट गन मिल चुका है लेकिन शॉट गन से तो भाई कुछ काम नहीं चलने वाले हैं लगभग यहाँ पे डैमेज बहुत कम है शॉट गन का ठीक है हम लोगों को यहाँ पे क्लोज में अगर दो शॉर्ट गन लगता है बिना हेलमेट वेस्ट का तो ही बंदे मरता है वरना नहीं मरती है आधी हेल्दी खा जाती है ठीक है तो हम लोग को यहाँ पे गन भी धुना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे यू मिल चुका है डायरेक्टली रश करते हैं अभी बंदे के ऊपर में थोड़ी बहुत हील करके इस गेम में गाइज़ हम लोग फास्ट वे में नहीं खेल सकते हैं क्योंकि गेम ही डिले है तो गाइज़ फास्ट वे में हम लोग नहीं खेल सकते एफ गेम नहीं है ठीक है ये गेम अगर हम लोग कैरेक्टर को चिट्टा में फास्ट जिगल कर ले या मूव कर ले फिर भी एनिमी स्पीड नहीं होता ये गेम के ऊपर दिक्कत है ठीक है गाइज प्लेयर्स के ऊपर दिक्कत नहीं है जैसे कि आप लोगों ने मेरे गेम प्ले वगैरह देखा होगा रोज़ उस पर नू नू प्लेयर्स की तरह खेलता हूँ ठीक है क्योंकि गेम के कैरेक्टर ही ठीक नहीं है है। उस पर बहुत ज़्यादा डिले करता है इसीलिए गेम प्ले वैसे ही बनते हैं अगर आप जितने भी प्रो स्टाइल से खेलना चाहो फिर भी नहीं हो पाते इस गेम के अंदर में पबजी मोबाइल वगैरह में करेक्टर स्पीड है गाइज़ एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ ठीक है करेक्टर स्पीड है तो उसमें गेम प्ले भी अच्छे से करेक्टर का मूवमेंट भी बहुत ही अच्छे से दिख जाते हैं लेकिन इस गेम में गाइज वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है सो so गाइस इस घर के अंदर में मैं दो एनिमीज़ को फाइट करते हुए दिखता हूँ लेकिन ये एनिमी दोनों टीम मेट ही थे ठीक है टीम मेट है या क्या है पता नहीं, नहीं? या दोनों बॉम्ब से उड़ गए पता नहीं या फिर दोनों नॉकआउट होकर मिलते हैं जो कि टू फ्री किल्स मुझे मिल जाते हैं या फिर आप दोनों देख सकते हैं भाई साहब ओह ओ भाई कमाल ही हो गया ये तो मुझे कोई भी तरह के इन दोनों को मारना नहीं पड़ा नॉकआउट करना नहीं पड़ा फ्री में टू किल्स मिल चुके हैं तो उन नौ बंदे को गाइस फिनिश करके यहाँ पे व्हीकल लेने के लिए ही रहा था यहाँ पे एक बंदा मिल जाता है व्हीकल के अंदर में जो कि यहाँ पे जब मैं मारता हूँ तो यहाँ पे कुट जाता है लेकिन क्या करे गाइस रेड डोर पे एम्फ चला रहा था आ गया गन के सामने में मुँह लेके तो नॉकआउट हो गया है इसको तुरंत हम लोग फिनिश कर देते हैं इसको भी तो गाइस इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं यहाँ सेफ जोन की तरफ बढ़ ही रहा था तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या सीन हो जाता है ठीक है यहाँ पे शायद अभी मैंने जिस बंदे को मारा था ये उसी का ही टीममेट हो सकता है यहाँ पे वो बंद मैं यहाँ पे कूद जाता हूँ गाड़ी के अंदर से एग्जिट मार देता हूँ और यहाँ पे एम का स्प्रे देता हूँ गाड़ी के ऊपर में लेकिन ये बंदा ये बंदा कूदने का नाम ही नहीं ले रहा था ठीक है मैं चाहता था कि ये कूदे और फाइट ले अच्छी तरीके से लेकिन ये बंदा गाड़ी से कूट ही नहीं रहा था इसलिए मैंने सोचा कि गाड़ी को ही फोड़ देते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गाइस गेम की गलती है ठीक है ये इस बंदे की गलती नहीं आप लोग देख सकते हैं तो गाड़ी फूट गए एकदम बूम तरीके से तो बैक जाने में गाइस इस गेम में बहुत ही ज़्यादा स्लो है गाड़ी ठीक है व्हीकल्स लोग आप चला के देख भी चुके होंगे तो इस गेम के अंदर में व्हीकल्स चलाना एस्पेशी जब हम लोग बैक टर्न करते हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है मैं आप सभी रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग व्हीकल चलाते हैं तो आप लोग जॉयस्टिक वाला में चलाए ठीक है आप लोग अगर क्या बोलते हैं उसको कॉलम वाला में आप लोग अगर चलाएंगे तो आप लोग को दिक्कतें होगा तो आप लोग बैक जाने में भी ठीक है ये अगर आप लोग जॉय स्टिक वाला कंट्रोल यूज़ करेंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा इतना लेकिन हाँ थोड़ी बहुत पहले पहले में शुरुआत शुरुआत में आप सभी को दिक्कतें हो सकती है लेकिन जब आप लोग मास्टर कर लेंगे जॉस्टिक वाला कंट्रोल को तो बहुत ही परफेक्ट है तो गए पूरा मैप का चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे फाइनली एक बंदा मिल जाता है बहुत देने के बाद ठीक है मैंने लगभग व्हीकल से मैप का चक्कर ही लगा दिया लेकिन बंदा मिल ही नहीं रहा था या बंदे मिल ही नहीं रहा था तो यहाँ पे फाइनली एक बंदा मिल जाता है जो कि मुझे देख के छुप गया था उस तरफ पर ठीक है मैंने उसको ऑलरेडी स्पॉट कर लिया था तो इस तरफ पर मैं थोड़ा बहुत टी पी लेता हूँ क्योंकि शायद लुक से वो बंदा अच्छे प्लेयर जैसा लग रहा था मुझे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो वो मुझे नहीं दिख रहा था यहाँ पर मैं थोड़े बहुत जिगल टाइप से स्प्रे करता हूँ लेकिन आई मीन द फायर करता लेकिन लगता है, नहीं है तो ये बंदा आप लोग देख सकते हैं यहां पे मैं जंप जंप एंड फायर करने वाला था लेकिन गेम के ऊपर है गाय इस गेम में कुछ बाक है जब हम लोग क्लिक करते हैं लगता है नहीं आप लोग पे देख सकते हैं वो एनिमी यहाँ पे टीपीपी ले रहे हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो मैं यहाँ ग्रेनेट स्विच कर, करता हूँ ग्रेनेट को और इसके ऊपर फेंक देता हूँ ठीक है ये मुझे एक एक शॉट कनेक्ट करते हैं ये बंदा मुझे लेकिन वो बंदा यहाँ पे बम से उड़ गया ठीक है ग्रेनेट से इस बात पर गाय वही ये पल है आप लोग एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए इस बम के लिए या इस ग्रेनेड के लिए क्योंकि गाइस इस गेम में ग्रेनेडियन करना ग्रे, ग्रेनेडियन मास्टर करना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि हम लोग को तीन थ्री ही सेकेंड्स मिलता था पहले ठीक है तो अभी गायस आप लोग यहाँ पे देख लेना कि क्या ही सीन यहाँ पे क्रिएट होता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बंदा आ, क्या बोलते हैं इसको बगी से जा चुके है ठीक है और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि और बंदा यहाँ पे यू एस जड से आ रहा है ठीक है यू एस जद जीप बोला जाता है इस गेम के अंदर में तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो बगी से गया था वो बंदा भी यहीं पे था तो ये बंदा डर के खुद जाता है मेरे ऊपर मैंने यहाँ सोचा कि गेम प्ले हाथ से जा चुका है सोचा मैंने लेकिन इस बंदे को तो खिल करके जाता हूँ मैं इस बंदे को तो यहाँ पर फिनिश करता हूँ लेकिन मुझे अभी भी डाउट था कि यहाँ पे जो बगी से अभी गया था बंदा वो शायद अभी भी ऊपर पर छुप के बैठ रहा है ठीक है मेरे मैं ऐसा ही सोच रहा था लेकिन वो बंदा कहीं और भाग चुका था एकदम दरपोक था तो आप लोग बाद में देख लेना मैंने उसके गेम प्ले शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है आप लोग जा कर के देख सकते हैं ठीक है एक फ़नी वे में मैंने उसका वीडियो बना के शॉर्ट्स पर डाला हुआ है तो मैं अभी यहाँ पर हील करता हूँ फिर इस बग्गी वाले बंदे को भी ढूंढने के लिए जाता हूँ तो वह इस बहुत ढूंढने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड करने के बाद ये बंदा यहाँ पे सांप बन के मिल जाता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये मुझे देख ही नहीं रहा था मतलब उसे फुल तो आ रहा था कि बंदा सामने में आ चुका है उसे मालूम था लेकिन वो मुझे देख ही नहीं पा रहा था इसलिए मैंने उसको नॉकआउट कर दिया और हम लोग यहाँ पे तुरंत फिनिश करते हैं बिकाइज आप लोग यहाँ पे मैं कैसा मरता हूँ आप सभी लोग देख लेना यहाँ पे इस एनिमी को मार के मैं यहाँ पर लेट के अच्छा खासा लूट रहा था तो फुट स्टेप ही नहीं आएगा इस क्योंकि इस गेम में फुट स्टेप ज़्यादा लाउड से नहीं आता है तो फुट स्टेप ही नहीं आया उसका टीममेट हो सकता है या अलग प्लेयर्स हो सकता है यहाँ पे ग्रोजा से मुझे मार देता है सिर्फ मुझे दो बुलेट का आवाज़ सुना था कैट टैप टैप में दो बुलेट का आवाज़ ही सुना डायरेक्टली डिक्रीज हो गया और मैं यहाँ पे खत्म चिकन बिरन लेने का सपना था गाइस लेकिन सो होप्सो गीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी एंड अच्छी लगी हो तो गाइस से जरूर से एक लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एंड प्लीज एंड क्लियरली आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को तो नेक्स्ट वीडियो गाइस कुछ गेम्स के ऊपर आएंगे तो आप लोग जरूर से रेडी रह रेडी रहना ठीक है बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है उन गेम्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो बाय गैस मिलते हैं आज की वीडियो यही पे एंड करते हैं हम सभी लोग मिलते गैस नेक्स्ट वीडियो पे तब तक ली सेफ एंड एन्जॉय प्लेइंग गेम्स